कामयाबी मिले ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। जोहार सलाम नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयला अंचल विश्वविद्यालय में। आपको लग रहा होगा कि एक फाइल के साथ कुछ युवा मेरे पीछे क्या कर रहे हैं, तो जी हाँ, विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट का आयोजन किया गया है। TCS कंपनी नामी गिरामी कंपनी है, आज वो बच्चों के बीच आई हुई है और बच्चों के मन में भी आस है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बच्चे जो मेहनत करके आगे आ रहे हैं वो सिलेक्ट भी हो जाएंगे। वैसे प्लेसमेंट से जुड़ी क्या पूरी बातें हैं वो तो बच्चे बताएंगे कब वो पहुँचे, और कैसा लगता है जब इंटरव्यू लेने वाले आते हैं उनके सामने किस तरीके की नर्वसनेस होती है, वो सारी बातें हम इनसे बात करके पता करेंगे। लेकिन मैं बताऊंगी कि IQAC और यहाँ विश्वविद्यालय का जो प्लेसमेंट सेल है उनके कोलाबोरेशन के साथ TCS जो है वो विश्वविद्यालय आ चुकी है। लगभग 9 बजे से ही बच्चों की भीड़ जो है विश्वविद्यालय में लगने लगी थी। पूरी जानकारी लेते हैं छात्रों से और जानती हूँ कितना उनका दिलचस्पी है, कितना उनकी रुचि है TCS को लेकर के। पहले तो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा नाम हुआ। तो यहाँ पर प्लेसमेंट का आयोजन किया गया है, कब खबर मिली? मैम, खबर तो करीबन 10 दिन पहले मिली थी जी। कॉलेज के ग्रुप में एक लिंक आया हुआ था, लिंक पे गूगल फॉर्म भरना था जी। उसके बाद मेल आ रहा था कि आप इतना तारीख को यहाँ सुबह 9 बजे आकर TCS का इंटरव्यू। सर जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं? तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं जी मैम। जब यहाँ पर आज सुबह आप पहुँचे तो क्या देख रहे थे, कितनी भीड़ लगभग थी और क्या क्या मन में एक्सपेक्टेशन था? मैम लग तो रहा था कि भीड़ उतनी नहीं जुटेगी, पर जिस हिसाब से बच्चों का उपस्थिति रहा जी। 3-3 क्लासरूम पूरी तरह से फुल हो चुके हैं जी। और अभी हमने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है जी। जिसके कुछ बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, कुछ बच्चे को डिस्क्वालीफाइड किया गया है। तो अभी हम लोग इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। मैम लेवल कैसा था सर एप्टीट्यूड टेस्ट का? मैम एप्टीट्यूड टेस्ट का लेवल मैथमेटिक्स इजी टू मॉडरेट था जी। और रीजनिंग मैम इजी था, और जो वर्बल एबिलिटी था वो भी इजी टू मॉडरेट था। सर ग्रेजुएशन की पढ़ाई किस कॉलेज से हुई? मैम मैं कतराज कॉलेज कतराजगढ़ से पढ़ाई किया हूँ, BSc फिजिक्स ऑनर्स से जी। एक बात बताइएगा, इस तरीके का जब प्लेसमेंट का आयोजन होता है तो पहले ही कुछ लोग कह देते हैं कि मत जाओ, 15 से 20 हज़ार की नौकरी मिलेगी। जब आप यहाँ लोगों से बात किए तो क्या लग रहा है कि क्या वो किस तरीके से सैलरी में वो देख पाएंगे? मैम TCS BPSC का जॉब है तो इसमें पैकेज तो उतना कम ही रहता है, पर मैम जब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे नहीं तब तक हम लोग उससे कुछ सीखेंगे क्या इंटरव्यू का। तो अभी हम लोग का ये फर्स्ट स्टेप था कि हाँ फ्रेशर्स इंटरव्यू हम लोग दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा मैम। और TCS जैसे कंपनी में तो हर एक बच्चे का मतलब ये ड्रीम होता है कि वो जॉब करें, भले ही छोटे लेवल से मैम, लेकिन पर उसमें एंटर तो हो कम से कम आदमी को। लाइफ में पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ या पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं? मैम एक दो इंटरव्यू मैंने पहले दिया है, पर इतनी बड़ी कंपनी का नहीं दिया था मैम। तो जब आप लोगों से मिल रहे हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को मतलब मोरल बूस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं या फिर सब एकदम नॉर्मल है? मैम सर लोग काफ़ी कॉपरेटिव हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छे से समझाया, सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दिए, अभी इंटरव्यू के लिए भी बच्चों को एकदम आराम से ले जा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि हाँ किस तरह से कैसे आगे आप लोगों के साथ किया जा रहा है इंटरव्यू में। विश्वविद्यालय की जितने भी न्यूज़ होते हैं उससे अप टू डेट रहते हैं जी? मैम कॉलेज के बहुत सारे ग्रुप है, यूनिवर्सिटी के ग्रुप है, जिसकी वजह से सारा नॉलेज हम लोग को मिलते रहता है। तो ये तो जानकारी मिली होगी कि प्लेसमेंट सेल बना हुआ है विश्वविद्यालय का। मैम जी जी जी। तो प्लेसमेंट सेल सही से काम कर रहा है? मैम उतना तो डीप जानकारी नहीं है, पर TCS जैसे कंपनी को बुलाना, पिछले साल भी PK रॉय में और SSLNT में भी कुछ कॉलेज आई थी जी। कुछ कंपनी आई थी तो जिससे पता चल रहा है। व्यवस्था को देख कर क्या लग रहा है कि ये जो नया विश्वविद्यालय है अच्छा काम कर रहा है? जी मैम अभी तो धनबाद में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, अब ये BBMKU के खुलने से काफ़ी बच्चों लोग को हेल्प हो गया, नहीं तो हजारीबाग जाना पड़ता था और इस तरह की कोई कंपनी का यहाँ आने का कोई प्लेस नहीं था। मैम जो बच्चे आपको सुन रहे हैं और जो नर्वस हो जाते हैं सामने वाले कैसा सवाल पूछेंगे, कई लोग जो है उनके सामने जाते तो किसी का फाइल ने लगता है, कोई इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे अपनी ओर से? अभी तो टिप्स देने के लायक नहीं है मैम, पर फिर भी मैं बच्चों से ये कहूँगा या फिर अपने जो भी दोस्त हैं उनसे कहूँगा कि मतलब ये लाइफ का एक फेज़ है, अगर इसको हम लोग अभी नहीं सॉल्व करेंगे तो और ये डर हम लोग के अंदर पैदा होते ही जाएगा। तो इसमें सिलेक्शन हो ना हो आपका कोई इसमें मतलब मैटर नहीं कर रहा, पर आप उसके लिए एक्सपीरियंस अपने आप को आप बढ़ा रहे हैं, अपने अंदर वो एबिलिटी ला रहे हैं कि आप कैसे रिक्रूटर के सामने बोल पाएंगे, कैसे उनके साथ बिहेव कर पाएंगे ना। तो इसलिए सबको बोलेंगे कि इस तरह के जो भी अगर अटेम्प्ट मेरे लाइफ में तो उसको देना ज़रूरी है। एक बात बताइएगा, जैसे जॉब को लेकर सबका एक्सपेक्टेशन होता है कि बहुत अच्छी जगह हम सेट करें, सरकारी नौकरी अब भी पहली प्रायोरिटी रहती है, तो आपके घर में भी तो लोग यही कहते होंगे कि क्या इधर उधर जा रहे हो?
सरकारी की तैयारी जी मैम जी, पर अभी जिस हिसाब से बेरोजगारी चरम सीमा पर है मैम, अभी एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी थोड़ा बहुत पॉकेट खर्च के लिए कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर कहीं भी, तो इसलिए सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन भी मैं साइड से कर रहा हूँ, पर इस तरह का अगर अपॉर्चुनिटी मिले TCS जैसे बड़ी कंपनी में तो उसको छोड़ना नहीं चाहूँगा। धनबाद के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जी मैम आगे चलकर और भी अच्छी अच्छी कंपनी आएंगी हमारे विश्वविद्यालय के थ्रू, तो काफी अच्छा रहेगा हमारे बच्चों के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए कुछ और भी लोग हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? सनी कुमार मैम। कैसा लग रहा है आज? तो उम्मीद भी होगी कि नौकरी लग जाएगी। यस मैम, उम्मीद तो लेकर के आए हैं मैम, क्योंकि बहुत घर से भी एक घर का बड़ा बेटा हूँ, तो थोड़ा बहुत घर से भी एक प्रेशर रहते हैं। बहुत जिम्मेदारी होगी। यस मैम, तो लोग घर से जब आप निकल रहे होंगे तो कह रहे होंगे जॉब लेके ही आना। यस मैम, इसलिए लिए अब घर से यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि अगर बाहर भी जाएंगे तो फिर भी इतना ही सेवा और यहाँ पे भी करेंगे तो। एप्टीट्यूड टेस्ट जो हुआ वो कैसा रहा सर? अच्छा रहा मैम। कुछ पता चल रहा था कि किसे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है या वो क्या बात कर रहे थे? ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं पता था मैम, बस जिस हिसाब से क्वेश्चन था उस हिसाब से अगर कल डिस्क्वालीफाई हुआ स्टूडेंट तो वो लोग ना ही के बराबर जानते होंगे। एक बात बताइए, कभी ये उम्मीद थी कि इस नए विश्वविद्यालय में इस तरीके से प्लेसमेंट का आयोजन होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आएंगी? मैम, पहले से तो ऐसा कभी उम्मीद नहीं था, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का कंडीशन ही ऐसा कर रहा था कि स्टूडेंट लोग पढ़ाई भी छोड़ना चाहते थे यहां से, बट आप जैसे जिस हिसाब से प्लेसमेंट वगैरह आ रहे हैं तो स्टूडेंट को भी जागरूक हुआ कि हाँ हम भी पढ़ रहे हैं तो शायद प्लेसमेंट मिल सके। जी, एक बात बताइएगा, जैसे जब लोग इंटरव्यू देने वाले होते हैं खास करके फ्रेशर्स, उनको ये जानकारी नहीं होती है कि किस तरीके से ड्रेस में आए, फॉर्मल ड्रेस क्या होता है, कई लोग बहुत हाई फाई ड्रेस को पहन के आ जाते हैं, आप अपनी ओर से उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे ड्रेसिंग को लेकर? ड्रेसिंग में नॉर्मली फॉर्मल ही आना चाहिए कहीं भी इंटरव्यू जाने पे। जी यस मैम, क्योंकि हाई फाई में वो लोग जज करता है कि ये लोग तो पहले से रिच होंगे, इसलिए नॉर्मल ही पहन के आ सकते हैं। आप घर में जब आपको मतलब पता था कि आज के दिन आना है तो कोई प्रिपरेशन विशेष तौर पे इस इंटरव्यू के लिए या फिर आज के लिए किए हो? मैम, मेरे को तो उतना मालूम नहीं था इसके बारे में, बस मैंने फॉर्म भरा था यहाँ पे और मैंने थोड़ा बहुत इंटरव्यू की तैयारी पहले से कर रहा था। अभी एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद सर क्या है नेक्स्ट स्टेप? मैम, जहाँ तक हमें पता कि इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी की है या किसी से दोस्त से यार से कुछ टिप्स वगैरह लिए हो कि ऐसे करें? टिप्स वगैरह मैम, पहले भी थोड़ा बहुत इंटरव्यू दिए छोटे मोटे कंपनियों में, तो उस हिसाब से। सर एक बात बताइएगा, क्योंकि यहाँ जो यूनिवर्सिटी है नई है, बच्चों को अक्सर रहती है कि कई लोग इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है और बड़ी बड़ी कंपनियों में इंग्लिश ही है, उसी का डिमांड होता है, तो आपको क्या लगता है, आप अपनी ओर से उस पर मेहनत करते हैं या फिर नॉर्मल हिंदी में ही बात करते हैं? मैम, मेहनत तो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे इंग्लिश भी मस्ट भी रहेगा, क्योंकि अगर सारे लोग तो हिंदी भी हमेशा सब रख नहीं सकते हैं। जी, सैलरी वगैरह पर कुछ बात हुई कि कितना वो देने वाले हैं? नो मैम, ऐसे तो सैलरी पे कुछ बात वगैरह नहीं हुई, मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा तो वहाँ पे सैलरी शायद अप्रोक्स 14,000 के आसपास बताया है। तो क्या लग रहा है फ्रेशर के लिए ये अच्छा स्टार्ट है? मैम, फ्रेशर के लिए है तो फिलहाल के लिए काफ़ी है अभी फिलहाल, बट ये कोलकाता जैसे अगर बड़े शहर में देता है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बात बताइएगा, आपको जब पता चला कि यहाँ प्लेसमेंट होने वाला है तो ये सारा कुछ किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तब खबर मिलती है या फिर लगातार न्यूज़पेपर वगैरह चैनल्स? मैम, यहाँ पे मैं ना इंक्वायरी का जो नेशनल मीडिया पर आ रही है उन्हीं के साथ मेरा कोऑर्डिनेट चलता है, उन्हीं से मिलते हैं हमेशा सारा कुछ, तो आज अच्छा लगा। अरेंजमेंट जो है वो कैसा रहा? अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था मैम, बाकी सारे तो सोचे थे इतने सारे स्टूडेंट पहुंच जाएंगे, ऐसे तो कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हुई, मैंने सोचा नहीं था कि 300-400 स्टूडेंट का, बट यहाँ पर काफ़ी लगभग पर रूम में 200 से स्टूडेंट होंगे। तो ये कब तक चलने वाला कोई आइडिया है? बहुत शाम तक भी लग सकता है, बहुत हो सकता है मैम। सर बोले हैं कि 2-3 राउंड भी इंटरव्यू चल सकता है किसी का, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर वो कैसा इंटरव्यू फेस करता है। तो औरों को देख करके डर लग रहा था कि मेरा नहीं हो पाएगा? नो मैम, मैं अपना कॉन्फिडेंस के साथ आया हूँ, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर। तो आप देख रहे हैं ये कोयलांचल के युवा हैं, एकदम बेबाक है, बेधड़क हैं। वैसे बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ा टैग है, अगर किसी के ऊपर लग जाता है तो फिर उनके लिए भी बहुत दिक्कत ये हो जाती है। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि आपने पहली बार किस उम्र में इंटरव्यू दी थी और इस तरीके की प्लेसमेंट के लिए क्या आपके भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कंपनियां पहुंचती थी, और अनुभव ज़रूर साझा कीजिएगा TCS को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है। और मैं चाहूँगी वैसे दर्शक जो TCS में वर्क कर चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंस को साझा करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि कोयलांचल के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनको भी आपके फीडबैक का लाभ मिल सके। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।